8 नवंबर को जो 500 और 1000 नोट बंद करने का जो डिसीजन पंतप्रधान इन्होंने जो लिया है, इसका इफेक्ट मैं मुख्यमंत्री साहब आपको बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर मालेगांव शहर, भिवंडी शहर, धुलिया, शोलापुर, इचलकरंजी, कामटी, ऐसे जितने पावरलूम सेंटर्स महाराष्ट्र के अंदर है, वहां पर जो पगार दी जाती है वो 8 दिन के अंदर दी जाती है, फ्राइडे टू फ्राइडे दी जाती है। जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसमें से एक अकाउंट में से 25,000 नेशनलाइज बैंक में से एक निकलता है, लेकिन जो पावरलूम धारक है, जो मालक है, वो जो एक कारखाने का पगार उनको देने के लिए, वाटअप करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं। इसके लिए मैंने एक आसाम के अंदर आरबीआई ने एक रिलैक्सेशन दिया है, मैं आपको ये निवेदन देता हूं कि वहां पर भी 8 रोज के अंदर वहां पर पगार होती है और यही समस्या वहां पर आई थी, तो आरबीआई ने वहां पर रिलैक्सेशन दिया है। ये संदर्भों में मैंने जिला अधिकारी नासिक को 4 पत्र व्यवहार किए और मैंने उसके बाद मेरी बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन करने गया तो मेरे ऊपर एक गुना दाखिल करते हुए मुझे जेल के अंदर डाल दिया। सेंट्रल जेल के अंदर मैं 2 दिन था। विषय ऐसा है कि इस तरीके का जो विषय, ये गंभीर विषय, और मेरे शहर के अंदर और भिवंडी के अंदर ये जो पावरलूम चलाने वाले जो लेबर होते हैं, ये उत्तर प्रदेश से 50% लेबर आते हैं। आज जनधन अकाउंट की बात होगी, लेकिन जनधन अकाउंट तो उनका उत्तर प्रदेश के अंदर है, काम वो यहां पर करते हैं, तो पेमेंट कैसे ट्रांसफर की जाएगी? तो ये एक बहुत गंभीर विषय महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसके ऊपर आप जरूर एक अच्छा निर्णय लेंगे। धन्यवाद।